इसको हम एयर टाइट कंटेनर में, देखिए कितना बड़ा केक बना है हमारा, कितना अच्छा बना है, और इसको हम स्टोर करने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है बाहर। इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे हम, ऑलरेडी 2-3 घंटे हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड काउंट कैलोरीज विद डॉक्टर हरप्रीत सिपिया। आज हम टी टाइम केक, ब्रिटानिया केक या इजीएस्ट हेल्दी केक बनाने जा रहे हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता है, एंड जिनको ब्रिटानिया वाला केक अच्छा लगता है आई थिंक उनके लिए तो ये सीखना मस्ट है। बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ना मैदा लगता है ना दही, बट टेस्टी बहुत बनता है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हम 2 कप सूजी, 1 कप चीनी, 2 कप दूध, और इसके अलावा ये आधा कप पाउडर मिल्क और आधा कप ही हम कस्टर्ड पाउडर और आधा कप कोई भी ऑयल, रिफाइंड ऑयल या आप घी या तेल, कोई भी जो नॉन फ्लेवरिंग तेल है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिंग के लिए हम नींबू का रस और थोड़ा सा ये हमने रखा हुआ है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा केक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 कप सूजी ले रहे हैं। आप कोई भी सूजी, मोटी या बारीक कोई भी हो वो ले सकते हैं, और इसको हम दूध में थोड़ा भिगो देंगे। आप हाफ क्वांटिटी का छोटा केक भी बना सकते हैं। ये 2 कप सूजी, और 1 कप हम चीनी, नॉर्मल चीनी ले रहे हैं, और इसको मिक्सर जार में डाल के पीसेंगे। क्योंकि इसको हम मिक्सी में बना रहे हैं, इसको बीट भी नहीं करना पड़ता। ये दूध मैयर करके 1 कप दूध डाल रहे हैं। टोटल क्वांटिटी तकरीबन 2 कप लग जाती है, तो 1.5 कप के करीब हम पहले डालेंगे, बाकी का हम फिर इस्तेमाल करेंगे। सूजी को हमने भीगने के लिए रख दिया, और मीनवाइल हमने अपनी ये ट्रे को लाइन किया है केक टिन को, और बाकी की चीज़ें शुगर वगैरह पीस के रेडी करते हैं। तो ये शुगर हमने ग्राइंड कर लिया है, पाउडर शुगर बना लिया है। तो इसमें हम ये 1/2 कप पाउडर मिल्क, कोई भी पाउडर मिल्क आप डाल सकते हैं, और ये 1/2 कप हम इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं। और ये हम ऑयल, रिफाइंड ऑयल आधा कप डाल रहे हैं। ये जो हमारी सूजी है सोख्ता है, इसको भी हम बीच में डाल रहे हैं। दो कप सूजी में हमने कोई 1.5 कप पानी डाला था, और
आप क्वांटिटी हाफ करके एक कप का भी छोटा केक भी बना सकते हो। परफेक्ट बैटर रेडी है। तो जो हमारे पास थोड़ा दूध बचा था, इसकी कंसिस्टेंसी देखने के लिए थोड़ा सा इसमें हम एक दो चम्मच दूध के और डाल रहे हैं और इसको भी बीट करके ये बैटर रेडी है, इसको निकाल लेंगे। ये ओवन को हम 15 मिनट के लिए प्री हीट करने जा रहे हैं। जितने में ओवन प्री हीट होता है, हम अपना बैटर रेडी कर रहे हैं। ये थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी को हम थोड़ा सा ये गेहूं के आटे से या मैदे से आप कोट करते हैं। कोट करने से ये नीचे नहीं सेटल होगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा केक। ये अपने बैटर को निकाल रहे हैं, देखिए कंसिस्टेंसी परफेक्ट, कैलकुलेशन है परफेक्ट, इससे केक बनता है। कोई मेहनत नहीं लगती, बहुत इजी है। आप विस्कर से भी इसको बीट कर सकते हैं। इससे गाढ़ा या पतला मत करें, जस्ट नोट डाउन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ठीक है और दूध नहीं ऐड करेंगे हम, बस इसमें हम ये एक चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं क्योंकि हमारा बैटर ज़्यादा बड़ा केक है, और इसमें ये 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। वेकफील्ड का और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं, 2-3 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर वनीला का इस्तेमाल किया तो इसमें हम कोई एसेंस नहीं डालेंगे। और साथ में हमने ये जो गेहूं के आटे से कोट करके रखी है थोड़ी सी टूटी फूटी, ये डाल रहे हैं। ये कोई 3-4 टेबलस्पून के करीब है। बस इसको मिक्स करके हम अपने ओवन में अब बेक कर देंगे। बाजार से बढ़िया, बाजार से टेस्टी केक बनके तैयार होता है। थोड़ी सी एफर्टी लगती है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है।
और इसकी कोई एक हफ्ते से ज़्यादा फ्रिज में शेल्फ लाइफ होती है, सूखता नहीं है, ख़राब नहीं होता। एयर टाइट कंटेनर में इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़े से ऊपर से हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अब इसको एक बार अच्छे से टैप कर लेना चाहिए ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रह जाए, और इसको हम ओवन में रख रहे हैं। तो इसको हम कोई 40 मिनट के करीब, 40 से 45 मिनट के लिए 200 डिग्री पे बेक करने जा रहे हैं। बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। अच्छी बेकिंग हुई है, केक पफ अप करके इसको अब हम चेक करने जा रहे हैं। कोई 60 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, केक को चेक करते हैं। बिल्कुल क्लीन आ रहा है, नाइफ कुछ चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब केक बन गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी एक दो मिनट इसको ओवन में ही छोड़ देंगे। उधर से टाइमर भी ऑफ होने जा रहा है, और फिर इसको जब यह ठंडा हो जाएगा फिर इसको काटेंगे। केक ठंडा हो गया, अब हम इसको अनमोल्ड करने जा रहे हैं। बहुत इजीली क्लीन निकला है बर्तन हमारा, और बड़ा अच्छा केक बेक हो गया। इसको बेक किए हुए कोई 2-3 घंटे हो गए हैं। तो चलिए इसको काट के देखते हैं। अच्छी इसकी बेकिंग हुई है, अच्छा ये फूल है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इवन बेकिंग हुई है। अच्छा इसमें जो रेज हुआ है स्पॉन्ज, और ये सॉफ्ट केक बना है। उम्मीद है खाने में ये इससे भी टेस्टी होगा जितना सुंदर ये लग रहा है। बाजार के केक से ये बढ़िया बनता है, क्योंकि इसमें ये मुंह में फूलता नहीं है। हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था थोड़ा सा, हमने कोई मैदा नहीं डाला, कोई इसमें अनहेल्दी चीज़ें नहीं डाली हैं।
पता भी नहीं चलता कि ये सूजी से बना हुआ है। जब भी मैं ये केक बनाती हूँ बच्चे बहुत लाइक करते हैं और हमेशा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं एक कप का नहीं दो कप का बड़ा केक ही बनाती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, अगर इसको गरम गरम को काटेंगे तो ये क्रम्बल कट जाएगा। और इसको आप एयरटाइट कंटेनर में कोई एक हफ्ते के करीब रख सकते हो। तो इसको हम एयरटाइट कंटेनर में, देखिए कितना बड़ा केक बना है हमारा, कितना अच्छा बना है, और इसको हम स्टोर करने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है बाहर, इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे हम। ऑलरेडी 2-3 घंटे हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वाला तो अभी ख़त्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।